एक रितेश पांडे का गाना आया हुआ है जो कि 90 में रात काटने की बात हो रही है, पूरी तरीके से असली है ये। आप देखिएगा वो वीडियो ना, तब कहिएगा गाना वो कैसे है, पहले दर्शक को गा के सुनाइए जो रितेश पांडे के साथ में आया हुआ। जी जी, कॉमन गोली खा के राजा आइल बड़ो, अरे देखे के जमाने पागल आइल बड़ो, कि जब ले ठाके ना मिजाज तो बोले खोटे दा, कि आज नाइटी में नाइट धोनी कोटे दा, आज नाइटी में नाइट धोनी कोटे दा, ऐसा ही हो। अच्छा ये बताइए पूरी तरीका से ये असली है, आप इन लोग ये गाना जब देखिएगा ना तब कहिएगा, क्योंकि रितेश पांडे जो है ना अच्छे अच्छे गाने गाते हैं, पहले गाए थे असली गाना लेकिन अभी जो गाए हैं ना, मतलब गाए तो कुछ भी है, ये द्वारती भोजपुरी है ये है, लेकिन उसमें जो किया गया है ना पूरा नाइटी को खोल के उल्टा पुल्टा, आप एक बार जाइए। एक मिनट सर, आप किस एंगल से देख रहे हैं कि ये मतलब असली है? आप वीडियो देखी है? आप वीडियो पूरा फुल वीडियो देखे हैं, बढ़िया से देखे हैं, असली नहीं है? असली का बात पर पूरा ये जो है ना ठंडी में अगर वो वीडियो देखिएगा तो आपको गर्मी का एहसास बिल्कुल ये कराएगा वीडियो, क्या आपको नहीं लगता? हाँ, कि वो गाना अच्छा ये बताइए, आप जो फुल पैंट जींस ये सब पहनते हैं क्या वही पहनकर सो जाते हैं? नहीं सो तो नहीं जाते हैं। नाइट आप नाइट वाला कोई कपड़ा होगा ना आपके पास? बिल्कुल होगा। तो फिर काहे बोल रहे हैं? बोल रहे औरत के लिए नाइटी मत। अच्छा तो नाइटी में क्या कर रहे हैं आपको पता है? पति पत्नी का बात है, पति पत्नी के कैमरे पे एकदम खुलेआम सबको दर्शक पब्लिश कर रहे हैं। खुलेआम क्या कर रहे हैं? खुलेआम क्या कर रहे हैं बताइए ना, क्या कर रहे हैं? आप देख लीजिए, आप देखिएगा तब कहिएगा। आज थाकल बा मिजाज धोनी खटे दो, आज नाइटी में नाइट धोनी कटे दो, मतलब नाइटी में ठीक लगा, नाइटी पहन कर रहा। उसके बाद वो वीडियो में देखिए नाइटी में क्या कर रहे हैं, पैर और उगार के आप पूरा कैसे कर रहे हैं? वो पति पत्नी है, कुछ भी करेंगे, वो हीरो है, हीरो है। जब तक दिखाएंगे नहीं तब तक क्या होगा, मतलब गाने का मतलब थीम कैसे पता चलेगा लोगों को? अच्छा पुनीता प्रिया क्या कहिएगा, जो भोजपुरी में आए दिन लोग भी बात कर रहे हैं कि खाली अश्लीलता भरा हुआ है, आपका एगो अश्लील गाना गाइए। अश्लीलता होता क्या है बताइए ना हमको? ये जो अश्लील गाने होते हैं तो अश्लील ना होते हैं? हाँ, मतलब अश्लीलता होता क्या है? अभी मैं राम भजन गाई हूँ अपने चैनल पे, चला गया है 200, उसको काहे नहीं आ? कैसे है गाना पहले गा के सुना दीजिए हमको। ओ जन्म जन्म का मोह मिटा के, जन्म जन्म का मोह मिटा के, नैया पार लगाएंगे, मैं सबरी बन ढूंढ रही, मेरे राम कभी तो आएंगे। इस गाने के लिए आप क्यों नहीं इंटरव्यू लेने के लिए आए? देखिए हम हर गाने को लेते हैं लेकिन हमको देखिए बढ़िया नहीं, इस गाने के लिए मर गए? मरे नहीं थे लेकिन एक बात जान लीजिए, बढ़िया तो चीज को प्रचार का जरूरत है। थोड़ा सा पति पत्नी का नोक जो गा दिए तो आप इंटरव्यू लेने के लिए कहे नहीं लेंगे? जिस तरीके से हमारे पूरे भोजपुरी कहीं ना कहीं बदनाम होता है, हर लोग बोलता है कि भोजपुरी देखने लायक नहीं है, अश्लीलता है भोजपुरी में। अच्छा ठीक है, हमारा काम है ये। अभी अभी मेरा आदेशी फिल्म पे आया है बहुत ही अच्छा, मतलब लोकगीत कौन सा, उसके लिए तो आप प्रचार करने? कौन सा गाना है बताइए हमको, कौन सा गाना? नथी अगर हवा दी की बा, नथी अगर हवा दी की बा, नादी भौजी छागल देवरा पागल बाटे, कहे दिलवा तोहरा से लागल देवरा पागल बाटे। बहुत सुंदर गाना है, नो डाउट पुनीता प्रिया जो है ना बहुत अच्छे अच्छे गाना गाती है, लेकिन क्या मजबूरी रहता है आप लोगों को, जो कि अच्छे गाने नहीं चलता तब जाके आप अश्लीलता? नहीं देखिए, जो मतलब मान लीजिए कि आप लोग पैसा झोंकते जाए और आप रिस्पॉन्स है ना देखो अभी, मतलब जो मार्केट में चल रहा है, क्या लगता है दर्शक का गलती है क्या? किसका एकदम दर्शक का गलती है, काहे नहीं है जी?
जो जो गंदा गाना है उसको आप लोग खूब प्रमोट करते हैं, खूब अथी करते हैं, आ जाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, जो बढ़िया गाना है उसको। अच्छा गाना पुनीता प्रिया हम थोड़ी ना सुनते, दर्शक ना सुनते, वो लोग ना प्रमोट करेंगे, हम तो जो अच्छा लगता है गलत लगता है सब दर्शक के पास रखते हैं। एक तो गायक नहीं है कि एक के पास हम जाएंगे, लाखों गायक है सबका इंटरव्यू हम करते हैं। तो आप बोलिए अपने दर्शकों की सुने, हम दर्शक हमारे थोड़ी नहीं है, दर्शक तो भगवान होते हैं, जो अच्छा लगता है वो सुनते हैं। तो जो 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 मतलब यही भगवान जो है, मतलब दर्शक ही हम लोगों का भगवान है, तो जो मांग रहे हैं वो हम लोग दे रहे हैं। तो मतलब अच्छा है? नहीं जी, बिल्कुल अच्छा है। अच्छा पवन सिंह के साथ में गाना से शुरुआत करी है आप, को शुरुआत थोड़ा दर्शक को बताइए कि कौन सा गाना से शुरुआत? जी पवन भैया के साथ में मेरा पहला गाना आया था आरा में दोबारा फिर वही बुना। हाँ, थोड़ा गा दीजिए, एक लाइन गाइए। कि सटा पया इलबानी सट बुना जरी आ कमर हिलाई बुजबले जरी मर करी कि खट मीठी जवानी के चिखई बुना कि बबुआ के खुश करके जई बुना अरे आरा में दोबारा फेरू आई बुना। एक और गाना था ना, कौन सा? तारा आटा के लोई के टोई जी, वो वाला भी गा दीजिए। कि बानी पवित्र नहीं छुआ छुई भइल बा आ झूठो के बाबू तहर मनवा में मोइल बा कि हमर चीजवा पे हाथ ना लगाई कोई लगाई कोई लगाई कोई कि तोहरे आटा के लोई तोहरे आटा के लोई के टोई। अच्छा पुनीता जी ये बताइए पवन सिंह के साथ में आप गाना जब गाई, काफी वायरल हुआ वो गाना, नेम फेम मिला, लेकिन अब क्या बात हुई कि पवन सिंह के साथ में गाना नहीं आ रहा? क्योंकि ये लगातार शिवानी के आपके बहुत बाद में शिवानी आई, कैसे सब हम जानते हैं, शिवानी बहुत ज्यादा बहुत बाद में आई, लेकिन लगातार उनका गाना हिट पे हिट बज रहा, लेकिन आपका क्यों नहीं आ रहा, क्या कर रहा? ऐसा बात नहीं है, मतलब मेरा भी 3-4 गाना मतलब रिकॉर्ड किए थे प्रियांशु जी, पता नहीं अब क्या हुआ कि नहीं मतलब रिलीज हो रहा है कि क्या दिक्कत है, मतलब हो सकता है कोई प्रॉब्लम होगा। आपको इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, सभी सभी लोग बहुत प्यार करते हैं। तो फिर कब आएगा पवन सिंह? आएगा ना, आएगा, जरूर आएगा, कहे नहीं आएगा भैया, उन्हीं का तो देन है प्रियांशु जी का और आदरणीय गुरुदेव पवन सिंह जी का, जो जो मतलब उन्हीं के गाने से तो हमारा थोड़ा बहुत नाम हुआ। नीता प्रिया इंटरटेनमेंट पे बहुत सारा गाना आ रहा है, मतलब होली का, और अभी अभी आया है कि हमार पियावा हो हमार पियावा, इस गाने को आप सब आदेशी फिल्म पे देख सकते हैं। हमार पियावा हो हमार पियावा तो कवर मुंह में खियावेले, हमार पियावा तो कवर मुंह में खियावेले, हमार पियावा रंगदार पियावा हो दिलदार पियावा हो रंगा दार पियावा हो दिलदार पियावा तो सोना कही के बोलावेले हमार पियावा। देखिए सर मैं डुएट में मतलब थोड़ा बहुत मतलब दो अर्थी गाती हूँ, क्योंकि मतलब एंजॉय करने के लिए, चाहे मतलब पब्लिक को खुश रखने के लिए, लेकिन मेरा जो सोलो आता है आप वर्ल्ड वाइड पे देख लीजिएगा, मतलब ये क्या बोलते हैं वेब पे देख लीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल पुनीता प्रिया एंटरटेनमेंट पे देखिए, मैं हर एक मतलब चैनल पे आप पुनीता प्रिया मारिएगा, मेरा गाना मतलब अश्लील नहीं है कोई भी गाना, लेकिन जो डुएट होता है वो तो दुअर्सी है होता है भाई, अब दर्शक क्या समझ रहे हैं, लोग क्या समझ रहे हैं, इसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मतलब जो होता है वो मैं गा देती हूँ। लेकिन हंसती है तो एकदम प्रीटी जिंटा की तरह। थैंक यू। अच्छा पुनीता जी थोड़ा पैट रूट दिखा दीजिए, पैट कौन फाड़ दिया हमारा? फाटने वाला नहीं है भाई, ये स्टाइल है, ये स्टाइल है, ऐसा ऐसा देखिए तो ठंडे के दिन में देख लीजिए, स्टाइल है भाई, देख लीजिए, मजाक करता नहीं, हमारा गांव के यही है, मजाक करता नहीं। चलिए चलते चलते क्या कहेंगे जितने दर्शक जो देख रहे हैं आपको? यही कहेंगे कि गंगा नीच को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए, सर बहुत ही अच्छा बोलते हैं और मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत दिल से मानते हैं, और मतलब सुने कि रितेश भैया के साथ में मतलब आयल भगाना था पुनीतवा के अब पकड़ी ननित भैया के स्टूडियो में गा रहे थे प्रेम झील में, तो पकड़ लिए।
तो आप सब गंगा न्यूज को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए और सपोर्ट कीजिए। जय माता दी। चलिए, तो ये थी हमारे साथ पुनीता प्रिया, जो कि बहुत ही अच्छी गाती है बेचारी, लेकिन लगातार स्ट्रगल पे स्ट्रगल कर रही है, काफी गरीब घर से है बेचारी। बहुत ही अच्छी तरीके से हम जानते हैं इनको, और जितने जानने वाले लोग हैं सब लोग को तो पता है। आप लोग इनके गाने और इनको ढेर सारा प्यार दीजिए, इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर कर दीजिए, और हमारी बातचीत हमारे वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। पेज के भी फॉलो के, अब हमारा पेज के भी आप सब फॉलो कर। हम लोग कौन सा पेज हुआ? पुनीता प्रिया, सिंगर पुनीता प्रिया जी। चलिए, तो पेज को भी आप लोग फॉलो कर लीजिए, हमारी बातचीत हमारे वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।